तो टाइप ऑफ माइक्रो, माइक्रो कितने टाइप के होते हैं और टाइप ऑफ माइक्रो से क्या फर्क पड़ता है? देखिए माइक्रो बेसिकली तीन तरह के टाइप होते हैं, एक होता है हमारा पब्लिक माइक्रो, ठीक है, दूसरा हमारा होता है पर्सनल माइक्रो और तीसरा हमारा होता है इवेंट माइक्रो। अब जानते हैं कि कौन सा क्या होता है। जैसे कल मैंने आपको रिकॉर्डिंग समझाया था और जनरली जो हम कोडिंग लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड किया एंड ओके किया, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे पुणे, तो ये जो रिकॉर्ड माइक्रो बनी, जो हमने माइक्रो वन बनाया, ये माइक्रो पब्लिक माइक्रो कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि रिकॉर्ड करते समय हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, दिस वर्क को। या फिर आप विजुअल बेसिक में जाते हैं, विजुअल बेसिक में आप कोड कर देते हैं, यहाँ पे मैंने मॉड्यूल इंसर्ट करके यहाँ पर कुछ कोड लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट आर आर लाइक रोटिंग कॉलेज, और यहाँ पे हमने कोई मैसेज दे दिया एम एस जी बॉक्स हाय। तो ये जो माइक्रो बना, ये भी हमारा पब्लिक माइक्रो ही कहलाएगा, क्योंकि हमने मॉड्यूल्स के अंदर में okay. डाला हुआ है, मतलब कि ये इसी फाइल के अंदर है, बुक वन के अंदर है, दिख रहा होगा बुक वन, इसी बुक वन के अंदर यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका पब्लिक मैक्रो था। पब्लिक मैक्रो इसलिए कहलाया कि जहां जहां मैं फाइल ट्रेवल करेगी, जैसे ये फाइल मैंने आपको भेजा, आपने किसी और को भेजा, उसने किसी और को भेजा, तो जहां जहां फाइल ट्रेवल करेगी हर कोई इस मैक्रो को इस्तेमाल कर पाएगा। साथ में अगर कोई अनोदर फाइल खुली हुई है, जैसे बुक टू खुला हुआ है, मैंने एक बुक टू ले लिया, तो ये बुक टू की भी मैक्रो लिस्ट में दिखेगा और मैं बुक टू पे भी इस मैक्रो को रन कर पाऊंगा, ठीक है, ठीक है, बुक टू पे इस मैक्रो को रन कर पाऊंगा, राइट। लेकिन बुक टू में रन करने से पहले, मतलब किसी अनोदर फाइल में रन करने से पहले, एक कंडीशन है कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो ओपन होनी चाहिए। अगर आपकी ओरिजिनल फाइल ओपन नहीं है, जी, तो ये माइक्रो लिस्ट में आएगा ही नहीं। ओके, इसका मतलब कि अगर आप कोई एक्सेल का फीचर बनाना चाहते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पिवट टेबल, डेटा इवैल्यूएशन टाइप का कोई फीचर बनाना चाहते हैं, तो पब्लिक माइक्रो के थ्रू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक फॉर्मूला बनाया ए लुकअप का, ठीक है, अब ए लुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपको ए लुकअप का फॉर्मूला जिस फाइल में बनाया था उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ओके, तभी आपको यहाँ पे वर्क करेगा, तभी वर्क ही नहीं करेगा। हाँ, अगर मैंने बुक वन, वो वाई से वो उसको रीड करेगा, नहीं तो डाटा कहाँ से रीड करेगा। हाँ, मैंने बुक वन में आपने फॉर्मूला बनाया, तो बुक टू में अप्लाई तभी तक होगा जब तक कि बुक वन ओपन है। जैसे ही बुक वन क्लोज, आपका माइक्रो क्लोज, आपका बुक टू में यूज नहीं हो सकता वो। हाँ, तो यहाँ पे हम पर्सनल माइक्रो या फिर हम एड इंस का इस्तेमाल करते हैं। एड इंस, अच्छा, ठीक है। तो पर्सनल माइक्रो जब रिकॉर्ड करते हैं ना, तो यहाँ पे होता है पर्सनल माइक्रो। तो पर्सनल माइक्रो क्या करता है कि आपकी जो ए है, आपका जो माइक्रोज है, जी, आपकी जो कोडिंग है, वो किसी पर्टिकुलर फाइल में नहीं, किसी पर्टिकुलर फाइल में रहेगी, फाइल किसी पर्टिकुलर फाइल में नहीं सेव होती है, वो आपके ऑफिस लाइब्रेरी में सेव होती है। अच्छा, जहां पे आपके बाकी सारे ऑप्शन सेव है, अच्छा, ताकि वो हर फाइल में वो एप्लीकेशन से ले लेता है। अच्छा, तो कोई पर्टिकुलर फाइल में सेव ही नहीं है, तो फाइल करने का झंझट ही नहीं है। ओके, तो ये पर्सनल क्यों कहलाया, क्योंकि हमें तो हर फाइल यूज कर रहे हैं। हाँ, तो पर्सनल इसलिए कहलाया क्योंकि आप सिर्फ अपने एक पर्सनल पीसी भी यूज कर सकते हो। कि अगर मान लीजिए मैंने ए लुकअप का फॉर्मूला अगर पर्सनल माइक्रो में बनाया, तो मैं सिर्फ अपने सिस्टम भी यूज कर सकता हूँ, आपको मैं नहीं दे सकता। आपके साथ में फाइल भेजूंगा तो आपके साथ वो फॉर्मूला का कोड नहीं जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला का कोड किसी फाइल की प्रॉपर्टी में है ही नहीं, उसके साथ जाएगा, वो तो हमारे एप्लीकेशन में डाला हुआ है, मेरे सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है। ओके, समझ गया, समझ गया, इसलिए पर्सनल कहलाया। तो इसका सोल्यूशन होता है एडिंग्स। हम लोग पब्लिक माइक्रो बनाते हैं, उसको एडिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा फाइल के अंदर आपके सामने ऑप्शन में एडिंग्स होता है, यहाँ पे राइट एडिंग्स होता है, उसको कई बार ऐड करना पड़ता है, कई बार हटाना पड़ता है एडिंग्स। जी जी, तो एडिंग्स के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पर्सनल माइक्रो जैसे ही फीलिंग देता है। ओके, तो पर्सनल माइक्रो के जगह पे आप एडिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तीसरा आता है इवेंट माइक्रो। इवेंट माइक्रो क्या होता है, किसी इवेंट के लिए। हाँ, जैसे कि मान लीजिए मैं फाइल ओपन करूं तो मेरा माइक्रो रन हो जाए,
मैं सीट को डबल क्लिक करूं तो माइल रन हो जाए, मैं प्रिंट कमांड दू तो मेरा फाइल रन हो जाए, मैं किसी लिंक पे क्लिक करूं तो फाइल रन हो जाए, मैं क्लोज करूं तो फाइल रन हो जाए, मैं कुछ टाइप करूं तो मेरा मैक्रो रन हो जाए। मतलब कि मैक्रोस आप अपने हिसाब से इवेंट को सेट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आप किसी को एक फाइल बना के भेज रहे हैं, राइट, आप चाहते हैं कि 20 दिन में वो फाइल, 20 दिन बाद वो फाइल खुलेगी, उसके लिए उसकी कोडिंग आपको वर्कबुक के ओपन में जाकर करनी होगी। ओके, यहाँ पे सी, यहाँ पे वर्कबुक्स, और हमने यहाँ पे वर्कबुक और यहाँ पे इवेंट ओपन ले लिया। तो जैसे ही फाइल ओपन होगी वो चेक करेगा कि क्या 30 दिन हो गए, क्या इसमें कोड, 30 दिन चेक करने का कोड डालूंगा मैं, या चेक करने का कोड डालूंगा, जब भी वो फाइल ओपन करेगा चेक करेगा क्या 30 दिन हो गए, जैसे 30 दिन होगा फाइल को लॉक कर देगा। ओके, समझ गए, समझ गए। ऐसे मान लीजिए ऑटोमेशन बनाया आपको कि जैसे मेरा फाइल ओपन हो तो मेरा एक पर्टिकुलर मैक्रो वर्क कर जाए, ये सारी चीज आप यहां से कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इवेंट मैक्रो। अब ये बताने की जरूरत क्या है, क्योंकि आप अपने हिसाब से अपना मैक्रो चूज कर सकते हो। जैसे आपने कोई मैक्रो बनाया है किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए, तो एक पर्टिकुलर डेटा पे वर्क करेगा, पर्टिकुलर रिपोर्ट पे वर्क करेगा, तो हम बात करेंगे पर्सनल मैक्रो, सॉरी पब्लिक मैक्रो यूज करेंगे। आवाज आ रही है, हेलो, आवाज आ रही सर, हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको, हेलो सर, आपकी आवाज गायब हो रही है, एक बार दोबारा बोले सर, आपने क्या बोला, मेरे को समझ नहीं दिया। मैं बोला कि हम डिसाइड कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर डेटा पे मैक्रो लगाना है। आवाज आ रही सर मेरी आपको, हेलो और आपने कोई पर्टिकुलर फाइल पे वर्क कर रहे हो, हाँ जी, एक डेटा पे वर्क कर रहे हो, तो हम पब्लिक मैक्रो डिसाइड करेंगे क्योंकि मुझे उसी फाइल में इसको रन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई एक फॉर्मूले वगैरह या कुछ ऐसे इन्वर्सल चीज बना रहे हो, एक कमांड बना रहे हो ताकि हर चीज में इसको रन कर सके, तो हम उसमें हम एडिंग्स यूज करेंगे, ठीक है। अब कोई इवेंट, कोई वैलिडेशन बना रहे हो, जैसे कि सीट पे जाते हैं मुझसे लॉगिन आईडी मांगे, मैं जब टाइप करूं तो ऑटोमेटिक उसका डेट एंड टाइम दे दे मुझे, मेरा फाइल ओपन होते ही मेरा मैक्रो ऑटोमेटिक रन हो जाए, okay. वो चीजें हम इवेंट मैक्रो में यूज करते हैं। ओके, समझ गया सर, समझ गया, ये टाइप ऑफ द मैक्रोज है। ओके, तो यहाँ पे हमारा थ्योरी पार्ट खत्म होता है, ठीक है जी। और कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम अपना कोड कंसेप्ट, हम समझेंगे कि कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है जी, क्या होता है, किस किस कोड का क्या मतलब होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह, हम आपको कल की क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है।